हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी विशाल में। हम बात करेंगे आज टॉप 10 क्वेश्चन जो बायोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको लेकर हम लोग मैं आ चुका हूँ। चलो बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लगभग हर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आप इसे पढ़कर अपने एग्जाम, आप इन 10 क्वेश्चन पढ़कर आप कम से कम इसमें से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सबसे बड़े बच्चे देने वाले जानवर का नाम, और आपको पता है तो कमेंट में करके बताइए। उत्तर है नीली व्हेल। और दूसरा देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है, जंतुओं का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे आप कई बार नोट कर ले। क्या आप लोगों को पता है कौन सी भाषा में लिखा जाता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो जान लीजिए हम बता रहे हैं। उत्तर है लैटिन भाषा में। जंतुओं का जो विज्ञान नाम होता है हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाता है और तिरछा लिखा जाता है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा तीसरा क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख कर बताइए किस किसका अध्ययन करते हैं। तो आते हैं, उत्तर है कीटों का, जो होते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उन लोगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो चौथा क्वेश्चन है, सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है, यह शरीर किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट जाकर कमेंट कीजिए और ये आंसर बताइए। आप लोग के पास टाइम है 5 सेकेंड। चलिए, जिसने कमेंट किया ठीक है, जिसने नहीं किया उसने देख लिया। मैं बता रहा हूँ क्या आंसर है। उत्तर है हड्डियों को, जो सूखा रोग जो विटामिन डी के कारण होता है, इससे हमारी जो हमारे शरीर की हड्डियां होती हैं बहुत कमजोर हो जाती हैं, या फिर कमजोर होने लगते हैं, धीरे धीरे कमजोर होंगे तभी ना आगे जाके मतलब नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर ध्वनि को आंखों के रूप में उपयोग करता है? क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट में आंसर दीजिए, आपके पास टाइम है 5 सेकेंड। तो चलिए मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या है। उत्तर है चमगादड़। चमगादड़ जो बच्चों को दूध पिलाती है, ये भी लौट कर मतलब चमगादड़ बच्चों को दूध पिलाती है। चमगादड़ जो अपने आंखों को ध्वनि के रूप में उपयोग करती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है, मानव किडनी किस प्रदूषण के कारण कारण से होती है? बताइए। चलिए उत्तर जान लेते हैं, उत्तर है कैडमियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मानव के रक्त का पीएच कितना होता है? क्या आपको पता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मानव के रक्त का पीएच होता है 7.4 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, WHO ने कोरोना मरीजों पर किस बीमारी की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्सीन का परीक्षण पर रोक लगा दी? क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। नहीं पता तो चलो हम बता रहे हैं, आंसर है मलेरिया। क्या है? मलेरिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विटामिन 11 की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या आपको पता है? नहीं पता है तो कहीं से खोजिए। उत्तर है एनीमिया पेचिस रोग। एनीमिया ही होता है, पेचिस रोग भी मतलब विटामिन ए की कमी से होता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मतलब मुझे बताना है, मैं वो क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जिसको जिसको आ रहा है, नहीं तो मैं फिर कल इसे फिर सॉल्व कराऊंगा इसी आंसर को। ये क्वेश्चन जो लाल रक्त कण का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्जाम में लगभग लगभग आ चुका है। जितने 10 क्वेश्चन थे,
और इसमें से आपको किसी में डाउट हो तो मुझसे कमेंट में या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।